भगवद गीता अध्याय 11 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है विश्व रूप संदर्शन, जो विराट रूप। तो इसमें भगवान अपने विराट रूप को दिखाएंगे। तो जो भी ऐश्वर्य अभी तक हम लोग देखे हैं, जितने भी ऐश्वर्यों के बारे में भगवान ने बताया है, उन सारे ऐश्वर्यों को जो है अब भगवान दिखाएंगे। अभी तो बताए हैं, तो थ्योरी एक तरीके से भगवान बता दिए हैं। अब जो है वो एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रैक्टिकली जो है वो सब चीजें आज जो है अपने विश्व रूप में सब कुछ दिखाएंगे। सारे ऐश्वर्यों को जो है अर्जुन को दिखाएंगे। तो विराट रूप के साथ साथ भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, और वास्तविक रूप जो होता है उस भगवान का, उसके बारे में भगवान इस रूप इस अध्याय में भी। तो आइए इस अध्याय की हम लोग शुरुआत करते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं वियम अध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेन होहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपके जिन अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है आपने, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अभी तक हमने देखा कि अर्जुन को भगवान ने, मतलब हम लोग को तक अर्जुन के माध्यम से भगवान ने जो है जो ज्ञान पहुंचाया है, वो उसमें कर्म योग था, उसमें ज्ञान योग था, उसमें अष्टांग योग था, और उसमें कहीं थोड़ा थोड़ा जो है भक्ति योग के बारे में भगवान ने बताया। तो ये सब सुन के जो है अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि उनका जो मोह है वो दूर हो चुका है। अर्जुन बोल रहे हैं, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों को मुझे मुझे उपदेश दिया है, उससे सुनकर मेरा मोह दूर हो चुका है। परंतु अब प्रश्न ये आता है कि अगर अर्जुन का सारा मोह दूर हो गया है, तो भगवद गीता को तो यही समाप्त हो जाना था अध्याय 11 में, अध्याय 10 में। 11वें अध्याय की तो जरूरत ही नहीं पड़ना थी, क्योंकि अगर हम लोग शुरुआत में जाएं तो अर्जुन मोहित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने 5 कारण दिए थे युद्ध नहीं करने के, और उन 5 कारणों को खंडित करने के लिए, अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने भगवद गीता जो है वो स्टार्ट की। तो अर्जुन के मोह को खत्म करने के लिए भगवद गीता भगवान ने बोली, तो भगवद गीता को तो यही समाप्त तो हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों, कोई बताना चाहता है, कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों भगवान ने फिर 11वें अध्याय क्यों स्टार्ट कर दिया? 10वें अध्याय में अर्जुन का मोह तो दूर हो ही चुका है, अर्जुन वो चीज की पुष्टि भी कर रहे हैं, तो फिर भगवान ने ये 11वें अध्याय को क्यों बोलना चाहा, और आगे फिर आगे के अध्याय क्यों बोले हैं, 11 से लेके 18 तक के अध्याय? कोई अपने विचार रखना चाहता है तो आप रख सकते हैं, इसमें कोई गलत या सही इसका कोई वो नहीं है। आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। जी हरे कृष्णा श्यामल प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअल प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण ने तो पूरा ये कर दिया, और अर्जुन भी पूरा ये किया कि मतलब मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा दया है, मैं किसको मारू, वो पूरा विचार रखा। लेकिन भगवान यहीं पर समाप्त नहीं करना चाहता था, क्योंकि भगवान को पता था कि अंतिम जब तक नहीं होगा तब तक कैसे ये होगा, क्योंकि उनको तो पूरा महाभारत करना था। और पूरा जो आपको ये है, मतलब जब तक लड़ेगा नहीं और लड़ाई नहीं होगा तब तक एक एक संवेदना, एक एक पार्ट्स को पता नहीं चलेगा कि कैसे लड़ाई होता है, कैसे ये होता है, फिर उसका कैसे मतलब एक एक क्षति पहुंचता है, दोनों को पक्षों को कैसे क्षति पहुंचता है, पूरा विस्तार से वो नहीं ये होगा। और फिर जो आपको मतलब धर्म का स्थापना होगा, धर्म का स्थापना होने के बाद वो युधिष्ठिर स्वर्ग जाएगा, ये सब नहीं होता। तो इसके लिए भगवान ने पूरा 11 से लेकर 18 तक का ये रखा है। ओके बहुत अच्छे बताया प्रभु जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा वीणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी जी, जी माता जी। इन्होंने काफी स्पष्ट रूप में सही बताया है अभी सुरेश श्यामल श्यामल प्रभु जी ने जी प्रभु जी ने। वो कृष्ण भगवान जो थे उनको पता था कि करण में अभी भी कुछ शंकाएं हैं, तो उनको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे और अपना साक्षात्कार करवाना चाहते थे। उनके अंदर जो को मोह था थोड़ा बहुत, उसको भी भंग करना चाहते थे। तो उन्होंने इसके द्वारा उनको मतलब जो अपना विश्व रूप दिखा के उन्होंने कृष्ण को अर्जुन को ये दिखाया कि जो जो होने वाला है भविष्य में वो सारी चीजें उसके दर्शन कराए, वो कराना जरूरी था। तभी तो उसके अर्जुन के अंदर से वो शंकाएं निकल गई कि मैं ये तो सब मर चुके हैं। कृष्ण ने बताया कि जो भी होने वाला है
जो तुम करोगे ये हो चुका है, इसकी रचना, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, मेरे द्वारा सब मर चुके हैं, जो भी मतलब पांडव हैं या जो भी शत्रु हैं, नहीं सॉरी कौरव हैं, शत्रु हैं, ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो मतलब उसके अंदर से जो भय निकाल दिया सारा, और वो निकालना जरूरी था, कृष्ण को साक्षात्कार कराना जरूरी था, और सृष्टि के लिए, आगे की रचना के लिए, इसीलिए उनको विश्व रूप दिखाना चाहिए था। यही आई थिंक यही सही है, ऐसा ही होगा। जी जी बहुत अच्छे से बताया मुझे, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, जय हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। वो जैसे प्रभु जी ने और माता जी ने बताया, तो वास्तव में बिल्कुल आपका जो सोचना है बिल्कुल हो सकता है कि वो सही है बिल्कुल, लेकिन एक्चुअल रीजन इसका क्या है कि ये निश्चित है कि अगर ये भगवद गीता अगर अर्जुन के लिए होती तो ये 10वें अध्याय में समाप्त हो जाती, परंतु ये अर्जुन के लिए नहीं थी भगवद गीता। क्योंकि अर्जुन के लिए ये होती तो 10वें अध्याय में क्यों समाप्त हो जाती, क्योंकि कल के अध्याय में अर्जुन ने ये बोला था कि आप ही परम भगवान है, आप ही परम सत्य है, आप ही परम धाम है। मतलब कि अर्जुन का मोह तो कल ही दूर हो गया, परंतु ये भगवद गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, कि भगवान ने अर्जुन को एक माध्यम बनाया है कि इस ज्ञान को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो भगवान अभी और ऐसा बहुत सी ज्ञान है जो कि हमें देना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन के लिए, अर्जुन वास्तव में तो एक जरिया है, तो अगर उसको भगवद गीता सुनानी होती तो 10वें अध्याय में वो समाप्त हो चुकी। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन एक तरीके से हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी भी अर्जुन जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न है, वैसे भगवान सब कुछ जानते हैं, तो अर्जुन के माध्यम से वो प्रश्नों को अर्जुन निकलवाएंगे जो कि हम लोगों के प्रश्न है और जो कि अभी समाप्त नहीं हुए हैं। तो हमारा मुंह दूर नहीं हुआ है, अर्जुन का मुंह तो दूर हो चुका है, तो हमारे मुंह को दूर करने के लिए भगवान ने और जो है इस और भी ऐसे बहुत सा जो ज्ञान है जिसको कि देने के लिए जो है आगे इस चीज को बढ़ाया। तो वास्तव में ये उत्तर हम लोग जो है परफेक्ट होगा, क्योंकि बाकी सब चीजें तो ठीक है, क्योंकि भगवद गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, तो अर्जुन को हम लोग अगर ये माने कि उसका मोह दूर नहीं हुआ था, तो उसका मोह तो 10वें कल के अध्याय में ही दूर हो गया था, तो उसके मोह को तो दूर भगवान ने कर दिया, लेकिन हम लोगों का मोह अभी भी दूर नहीं हुआ है, तो उनको दूर करने के लिए जो है ये आगे का जो और भी जो बचा हुआ ज्ञान है भगवान, वो भी हमें संपूर्ण, इसलिए पूर्ण ज्ञान देना चाहते हैं हमें, कि जिससे हम लोग क्या कर सके, सारी चीजों को समझ सके और उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सके। तात्पर्य यहाँ पे रूपाज जी बताते हैं कि जब अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु जब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे, अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखाए। तो अर्जुन की कोई इच्छा नहीं है विराट रूप देखने की, अर्जुन का मोह दूर हो चुका है, लेकिन अर्जुन भगवान की अलौकिकता को स्थापित करना चाहता है उन मूर्खों के लिए जो कि अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में भगवान कौन है, और जो इतनी सारी ज्ञान, इतना सारा ज्ञान दे रहे हैं, वास्तविकता में वो ज्ञान क्या है, तो ना तो भगवान को समझ पा रहे हो, ना भगवान से, भगवान के दिए हुए ज्ञान को समझ पा रहे हैं। तो उस उन्होंने भगवान की अलौकिकता को स्थापित करने के लिए अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भगवान से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ये विश्व रूप दिखाइए, जिससे कि लोग जो है वो इस चीज को समझ पाए कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि साधारण व्यक्ति ना समझे आपको, क्योंकि हर कोई साधारण व्यक्ति समझ रहा है ना, तो वो साधारणता, साधारण चीजों को हटाने के लिए, लोगों के दिमाग से निकालने के लिए अर्जुन ने क्या किया था, अर्जुन ने ये प्रार्थना की थी, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना। अर्जुन बता रहे हैं, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, तो जो भगवान का ये जो रूप है, जिस जो अर्जुन को दिख रहा था वो वास्तविक रूप है, जिसको श्याम सुंदर रूप बोला जाता है, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए, कैसे आप प्रविष्ट होते हैं इस पूरे दृश्य जगत में, कैसे आते हैं, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना वसीम विश्व रूप दिखाइए। तो देखिए अर्जुन, अर्जुन ने कितने अच्छे से जो है वो प्रार्थना की है ना। तो आजकल आप भी, आजकल
ऐसे बहुत से लोग हैं इस भौतिक संसार में, इस दुनिया में, इस कलयुग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि क्या करते हैं, जिनको कि किसी भी तरीके का विश्वास नहीं है भगवान पे, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो आपको भी, अभी आप भी अगर भगवद गीता पढ़ेंगे, पढ़ लिए होंगे, तो उसके बाद जब आप भी उनके वाणी के आधार पर अपने जीवन को जब चलाना चाहेंगे, तो लोग बहुत सारे ऐसे बोलेंगे कि जब इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं, तो आप, तुम्हारे भगवान आते क्यों नहीं है, प्रकट क्यों नहीं होते हैं। तो बोलते हैं कि भगवान जो है, जब भी इतना पाप होगा भगवान आएंगे, भगवान दंड देंगे, कहाँ है तुम्हारे भगवान। तो देखिए वास्तव में ऐसा है कि भगवान जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, और वो हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, मतलब हम लोग उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हमारी बुद्धि को, उनकी बुद्धि। और दूसरी चीज है कि हम लोग के नौकर नहीं है भगवान की, हमने बोला और आ जाएंगे। हम एक तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और ऊपर से हम लोग क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि भगवान आते क्यों नहीं है, इतना सब कुछ हो रहा है, भगवान ये क्यों नहीं करते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं। तो ये ऑर्डर देना हो गया। कोई अपने पिता को ऐसा कुछ बोल सकता है? तो जब हम लोग भौतिक संसार में इतना जो है हमारे पिता के साथ में इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग किस तरीके से जो है भगवान से इस तरीके से हम लोग व्यवहार करें कि ऑर्डर दें कि आप आइए, मुझे पैसा दो, मुझे खुशी दो, उसको दे देते हो, उसको दे देते हो। तो ये सब क्या है, ये सब ऑर्डर देना हो, ये सब क्या हो गया, गलत ढंग है। और सही तरीका किसने सिखाया? अर्जुन ने सिखाया प्रार्थना करने का। अर्जुन बोलते हैं कि यदि आप सोचते हैं कि मैं विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वास्तव में भगवान को ऑर्डर नहीं देना, हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जो कि हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, वो एक तरीके से प्रार्थना है भगवान की। भगवान से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं हर क्षण। इसलिए हमें क्या है, उनसे हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग, जब कई बार लोगों का ये डाउट होता है ना कि हम भगवान के सामने जाके क्या बोलें, तो वास्तव में हमें भगवान के सामने जाके ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी मैं मांगने आया हूँ उसके लिए मैं अगर योग्य हूँ तो दो मेरे को, अगर मैं योग्य नहीं हूँ तो मत दो मेरे को। और हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे दो, हम लोग को लगता है हम बहुत योग्य हैं। वास्तव में हम लोग का प्रार्थना करने का ढंग ही गलत है। हम लोग ऑर्डर देते हैं भगवान को, हम लोग को उनसे प्रार्थना करनी है। जैसे अर्जुन ने बोला कि मैं अगर देखने में समर्थ हूँ तो आप दिखाइए, अन्यथा अगर मैं समर्थ नहीं हूं तो मत दिखाइए। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कहा है, और ये हम लोग अभी समझ गए कि वास्तव में अर्जुन कोई भगवान पे संदेह नहीं था, क्योंकि कल के अध्याय में उन्होंने बता दिया कि आप ही परम धाम है, आप ही परम भगवान है, आप ही परम सत्य है। दूसरी बात, वो अपने को खास नहीं मान रहा था, इसलिए तो हर चीज के प्रश्न, हर चीज में प्रश्न कर रहा था। वो अगर अपने आप को खास मानता तो वो पहले ही बोल देता कि मुझे जो है युद्ध नहीं करना, आप जीत लीजिए, जिता लीजिए इस युद्ध को, क्योंकि खास है तो उनको पता है कि हाँ मैं भगवान को बोलूंगा, भगवान कर देंगे। तो अपने आप को खास भी नहीं मान रहा था। वास्तव में उसने विश्व रूप देखने की इच्छा क्यों की, वो हम लोगों के लिए, कि हम लोगों जैसे जो है दुर्बुद्धि लोग हैं उनके लिए, कि मूर्ख लोगों के लिए, कि हम लोग भगवान को साधारण समझते हैं। भगवान इतनी सारी बातें अपने बारे में बताने के बावजूद भी हम लोग भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो उनको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए भगवान से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगर मैं समर्थ हूं तो आप कृपया दिखाइए, कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस दृश्य जगत में कैसे आते हैं। तो आप, मतलब उनका बोलने का मतलब ये था कि आपने जो भी ऐश्वर्य बताए हैं उनको आप मुझे आज दिखाइए, तो वही जो है वो भगवान आज दिखाने वाले हैं। तो ये कैसे, आज के आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या बोलते हैं, अपने आप को भगवान बोलते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे साधु संत भी हैं जो कि क्या बोल सकते हैं कि मैंने तो, मतलब अगर भगवान ने ज्ञान दिया तो ज्ञान तो मैं भी दे सकता हूँ, अगर वो भगवान बन गए ज्ञान दे के तो मैं भी भगवान हूँ, उसका मतलब। तो वास्तव में उन लोगों के मुंह ही बंद करने के लिए, अगर हम लोग को ये भगवद गीता से अर्जुन ने बता दिया कि आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि चलिए भगवान ने ज्ञान दिया और आपने भी ज्ञान दिया, लेकिन भगवान ने उस ज्ञान को प्रैक्टिकली बताया भी अपने विश्व रूप में, तो आप भी विश्व रूप, अपना सार्वभौमिक रूप दिखाइए। तो ऐसे लोग जो है वो, जो वास्तव में अपने आप को जो है सर्वोच्च व्यक्तित्व बताने का जो है वो गलती करते हैं, उन लोगों के लिए क्या है ये अध्याय में अर्जुन ने क्या किया है, भगवान से रिक्वेस्ट किए कि वो अपना विश्व रूप दिखाइए। अब भगवान बताते हैं, अब भगवान पहले अपने विश्व रूप के बारे में बता रहे हैं, फिर जो है अर्जुन को दिखाएंगे। अर्जुन, भगवान बोलते हैं कि
अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्यों को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो भगवान बोल रहे हैं इसमें तुम सैकड़ों हजारों देवी देवताओं को विविध रंगों को देखोगे। हे भारत, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तो 12 आदित्य होते हैं, 8 वसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं और 2 अश्विनी कुमार होते हैं। ऐसे मिलके हो गए 33। तो 33 कोटि देवी देवता के विभिन्न रूपों को भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। तो सब दिखेंगे उसमें, जो कि कल बताएं कि मैं आदित्य हूँ, मैं विष्णु हूँ, वसु हूँ, मैं रुद्रों में शिव हूँ, अश्विनी कुमार, ये सब आज जो है सारे देवी देवताओं की श्रेणी जो है उसमें दिखा देंगे जो कल भगवान ने बताया है। फिर जो तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको वह विश्वरूप दिखाएगा। तो वो भूत, भविष्य, वर्तमान सब दिखाएगा। एक ही स्थान पे सारे चर और सब अचर सब कुछ है। तो जो कल भगवान ने बताया था कि सब चर और अचर किस पे आश्रित है, मुझ पे आश्रित है, तो वो सब दिखेगा। किंतु तुम मुझसे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, तो मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो अब यहाँ देखिए, अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुम मुझे इन साधारण आंखों से नहीं देख पाओगे। अब देखिए, अर्जुन भी उसी स्थिति पे, क्योंकि हम भी ये बोलते हैं कि हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो अर्जुन जो है, अर्जुन के पास सब कुछ होते हुए भी भगवान के वो विश्व रूप को नहीं देख पा रहा है। तो हम लोग तो बिल्कुल ही जो है एकदम नीचे है, जो कि हम लोग इतने महान तो है नहीं कि हम लोग जो है देख पाए। वास्तव में हम लोग अपनी आंखों से अंधेरे में नहीं चल पाते। हम लोग अपनी आंखों से 3D मूवी नहीं देख पाते, अपनी नॉर्मल आंखों से। हम तो सब देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें चश्मा चाहिए होता है, जब आप जब 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 जाके हम लोग थिएटर में 3D मूवी देख पाते। तो वास्तव में हम लोग क्या, हमारी इंद्रियां ही अपूर्ण है कि हम लोग कुछ नहीं देख पाएंगे। और अर्जुन के साथ में क्या था, अर्जुन के साथ में जब ऐसा था कि वो भगवान बोल रहे हैं कि तुम इस इन आंखों से नहीं देख पाओगे, इसके लिए मुझे तुम्हें दिव्य दृष्टि देनी होगी, जब जाके तुम मेरे ऐश्वर्य को देख सकते हो। तब भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और अपना विश्व रूप दिखाते हैं। अब देखिए, संजय जो है वो संजय भी देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संजय के पास पहले से दिव्य दृष्टि है। किसके द्वारा प्रदान की गई है? उनके गुरु व्यास देव जी के द्वारा। तो संजय भी सब चीजें देख रहे हैं, सब चीजें सुन रहे हैं, और वो जो भी देख रहे हैं वो सब कुछ किसको सुना रहे? धृतराष्ट्र को। संजय बताते हैं, संजय वाच एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमहेश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर योगेश्वर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अब भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं, और अब जो विश्व रूप में दिख रहा है वो संजय जो है वो किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को। क्या बता रहे हैं? अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। ये देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो अर्जुन ने जो विश्व रूप देखा वो जहां भी उनकी नजर जा रही थी, पूरे ब्रह्मांड में या फिर उस पूरे जगह पे आसपास में, सब जगह उनको सिर्फ विश्व रूप दिखाई दे रहा था। इतना सो है वो विशाल था, इतना विकराल था, सर्वत्र व्याप्त था। जहां जहां उनका जो है मुख जा रहा था वहां वहां उन्हें सिर्फ विश्व रूप दिखाई दे रहा था। उसमें असंख्य मुख, जिनकी संख्या जिनकी गणना नहीं कर सकते, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य थे उसमें। सभी अलंकृत जो है वो आभूषणों से ओतप्रोत थे। सभी के पास में हथियार थे, वस्त्र थे, मालाएं थी, सब एकदम कुछ अलग ही था जो कि अर्जुन कभी देखे नहीं थे। सब कुछ आश्चर्यमय था, तेजमय था और असीम था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इतना था, इतना जो है वो विशाल था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। तो एक जब सूरज उगता है उसको तो हम लोग देख नहीं पाते, उसका तेज कितना होता है। लेकिन संजय बता रहे कि जब हजारों भी उग जाएंगे तो भी शायद उनका प्रकाश जो है वो भगवान के विश्व रूप के तेज की क्षमता ना कर सकेगा। बहुत मुश्किल है। तो इतना तेज है, और यही तेज क्या कहलाता है? ब्रह्म ज्योति कहलाता है, जो कि भगवान को, भगवान क्या करते हैं, इससे अपने आप को ढके हुए रहते हैं। किन लोगों के लिए? उन मूर्खों के लिए, जो कि क्या करते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं। तो भगवान के शरीर का तेज इतना है। और अर्जुन आगे खुद पुष्टि करेंगे कि मैं फिर भी नहीं देख पा रहा हूँ, इतने मुश्किल से, बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे इस विश्व रूप को देखने में। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख रहे थे। तो वह सभी उस समय उन्हें दिख रहा था, सब कुछ। वो भगवान बोले कि सारा ब्रह्मांड कहाँ है? मुझी पे आश्रित है। तो वो सब कुछ देख रहे थे।
विभक्त ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो सब कुछ कहाँ दिख रहे थे, भगवान के उस विश्व रूप में उन्हें दिखाई दे रहे थे। तब मोहग्रस्त है वो आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर वो प्रार्थना करने लगा। अब अर्जुन प्रार्थना करेंगे भगवान से क्योंकि उनने कभी इस रूप में भगवान को कभी नहीं देखा था। अब अर्जुन प्रार्थना करते हैं, अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर असीम असीम ब्रह्मा जी शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो वहां पे कल भगवान ने बताया था कि मैं सर्पों में वासुकी हूँ, मैं नागों में अनंत शेष हूँ, वो सब जो है आज भगवान दिखा रहे थे अपने विश्व रूप में। सब कुछ अर्जुन देख रहे थे, सारे देवी देवता सब कुछ दिख रहा था उन्हें वहां पे। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ पेट मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका अंत नहीं है। आपने आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य दिखता है, ना आदि दिखता है। और भगवान ने कल बोला था कि मैं ही अंत मध्य और आदि हूँ, और वही चीज यहाँ पे अर्जुन को नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि वो इतना सीम, उसकी सीमा ही नहीं है विश्व रूप की। जहां जहां उनकी दृष्टि जा रही है वहां वहां उन्हें विश्व रूप दिख रहा है। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना अभी भी कठिन है, जबकि उनके पास दिव्य दृष्टि है। अभी भी कठिन है, इतना तेज है उसका, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख पा रहा हूँ जो अनेक मुक्तों गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। उसमें क्या है, क्योंकि असंख्य है देवी देवता है, तो हर किसी के हाथ में मुकुट है, गदा है, सब तो अनेकों अनेक है, वो जिसकी कोई गणना नहीं है, असंख्य है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु, यानी कि आप ही जानने योग्य हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। अर्जुन अपना मत सुना रहे हैं क्योंकि कल तो उन्होंने सुना दिया, आज वो देखा जैसे ही विश्व रूप, तो अपना जो है प्रार्थनाओं में जो है अपना मत सुना रहे हैं कि आप ही क्या है इस पूरे ब्रह्मांड के जो है क्या है। कंट्रोलर है आप ही के ऊपर पूरा जो है सारी सारी सृष्टि जो है वो क्या है, वो आश्रित है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, यश अनंत है भगवान का। मैंने आपको पहले भी बताया था दूसरे अध्याय में कि भगवान का यश अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ तक जो भक्त तो है भगवान की जो है भगवान के यश जो है बढ़ाते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं, लेकिन जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो भी उनके नाम को ले लेके ले लेके ले लेके जो है वो क्या करते हैं, उनके यश को बढ़ाते रहते हैं। जैसे कंस हो गया, शिशुपाल हो गया, तो भगवान का यश अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आपकी असंख्य भुजाएं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, तो वो जो सूर्य और चंद्रमा उनको आंखों के समान दिख रहे हैं उस विश्व रूप में। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से ही संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं अनेक बीच के समस्त आकाश से व्याप्त हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड है और सब में वो दिख रहा है, सब सभी जगह उनको वो सब दिख रहा है वहां पे, और सभी में वो व्याप्त है। महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख सारे लोग भयभीत हो गए हैं। तो जितने भी लोग हैं, अब देखिए वहां जितने भी देवी देवता थे, जितने भी राक्षस थे, इन लोगों के पास पहले से होती है दिव्य दृष्टि, तो ये देख पाते हैं ये सब चीजें, तो वो भी जो है वो देख पा रहे थे। और फिर उसके बाद क्या किया कि देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, आप में प्रवेश कर रहा है, उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं, और सब कुछ सब लोग भयभीत हो गए क्योंकि ये विकराल रूप किसी ने कभी देखा नहीं था, और वो सब देख के क्या करने लगे, स्तुतियां करने लगे जो है मंत्रोच्चारण करने लगे। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख नेत्र बाहु जांग पाव पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी। और अर्जुन जो है वो इतने विकराल रूप को देख के विचलित हो गया। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना ही अपना मानसिक संतुलन रख पा रहा हूँ। और भगवान के इस विराट रूप को देख के क्या हो गया, अर्जुन अपना मानसिक संतुलन खो दिया। देखिए वास्तव में जो भक्त होते हैं, भक्त क्या करते हैं, भक्त भगवान के इस ऐश्वर्य रूप को कभी देखना नहीं चाहते। भगवान के हमेशा वो प्रेम जो वास्तविक जो रूप होता है, श्याम सुंदर रूप, उससे ही भगवान को जो है उस भगवान से आकर्षित होते हैं। उनकी कोई इच्छा नहीं होती ऐश्वर्य रूप देखने की। और ये जो विकराल रूप है, जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन जो है वो पूरी तरीके से अपना धैर्य खो दिए और मानसिक संतुलन जो है वो खो दिए।
धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकारों सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, उनमें से कुछ के तो शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता देख रहा हूँ। तो बहुत सभी जो है वो सब क्या थे, भगवान के मुख में समा रहे थे, और कुछ कुछ तो ऐसे थे जिनके की जो सिर है भगवान के दांतों में जो है वो क्या हो रहे थे, चूर्णित हो रहे थे। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती, उसी प्रकार से समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो जितने भी वहां योद्धा थे सब क्या कर रहे थे, भगवान के मुख में प्रवेश करते जा रहे थे। अब अर्जुन को लगा कि ये कौन सा रूप है भगवान आपका, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं इतना भयानक रूप, ये क्या है? तो भगवान बोलते हैं, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं। और हमने पहले ही अध्याय में देखा था कि भगवान पांच विषयों के बारे में बताएंगे, और पांच विषयों में से एक विषय था काल। तो भगवान अपना काल स्वरूप दिखाए हैं उनको बीच में, जिसमें कि वो क्या कर रहे हैं, सभी को भगवान के मुख में प्रवेश करता हुआ देख रहे हैं, यानी कि काल के चक्र में जो है वो क्या हो रहे हैं, सब कुछ समाप्त होते जा रहे हैं। भगवान बोले, मैं ये समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं, तुम्हारे यानी कि पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अब भगवान इस चीज की पुष्टि करते हैं, आता उठो लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो, निमित्त मात्र सव्यसाची। भगवान बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, तो मैं मेरे द्वारा पहले ही ये सब कुछ, ये सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो तुम सब क्या कर रहे हो, उनके शरीर को नष्ट करने के लिए निमित्त एक जो है जरिया हो, जिससे कि क्या हो सके, इनके शरीर जो है वो नष्ट हो सके। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि वास्तव में तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें उठना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, और युद्ध को संपन्न करके तुम राज्य का भोग करोगे, ये निश्चित है। तो तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम इस युद्ध में एक जरिया हो, बाकी ये सब लोग मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यापि योद्धवीरान मया हस्तास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सब सब। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। और भगवान यह बोल रहे हैं कि ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तो तुम मोहित मत हो, ना तुम जो है किसी भी चीज से जो है विचलित हो, तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा धर्म है, तुम युद्ध करो, और युद्ध में जो है तुम निश्चित इनको पराजित करोगे और तुम विजय प्राप्त करोगे। तो इसलिए तुम्हारा जो कर्म है, तुम्हारा जो धर्म है, तुम उसका जो है पालन करो। अब संजय दत्तराज से बोल रहे हैं, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया, फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब जो है वो भयभीत हो ही गए थे, उन्होंने बोला कि मैं विचलित हो रहा हूँ, इसको देख के मानसिक संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ, आपके इस स्वरूप को देख के धैर्य खो चुका हूं मैं। तो अर्जुन बोलते हैं, हे ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब कि जो इंद्रियों के स्वामी, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है, और अर्जुन भी इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं, और यही कलयुग में हम लोग को दिया गया है भगवान के द्वारा, कि आपके नाम को सुनने मात्र से जो है व्यक्ति क्या हो सकता है, हर्षित हो जाता है। वही चीज इस युग का क्या है, कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन युग, इसलिए हम लोग को क्या बोला गया है कि सिर्फ नाम मात्र से हम लोग क्या हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं, और हमारी श्रद्धा जो है वो क्या हो सकती, बढ़ सकती है, और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, ये ठीक ही हुआ है। तो वही भगवान के इस विश्वरूप को देख के असुर भागेंगे, और जो सिद्ध पुरुष है वो वास्तव में क्या करने लगते हैं, भगवान की और ज्यादा जो है वो जो प्रार्थनाएं करने लगते हैं, उन स्तुतियां करने लगते हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, और ये भगवान पहले ही पुष्टि कर चुके हैं कि मेरी इच्छा से ये ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और मेरी इच्छा से सब कुछ विनाश होता है, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्त्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। और भगवान यही चीज पिछले सारे श्लोकों में बोलते आ रहे हैं कि मैं
सभी कारणों का कारण हूं, मैं ही इन देवताओं, मैं ही इन महर्षियों का कारण स्वरूप हूं, मैं ही इस दृश्य जगत का जो है क्या हूं, मैं कारण हूं इस। लेकिन मेरे से ये सब कुछ निकलने के बावजूद भी मैं इनसे परे हूं। और अर्जुन भी यही सब चीजें जो है क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं, हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो सब कुछ जो है वो किस पे आश्रित है, भगवान पे आश्रित है। और इस चीज की पुष्टि कौन कर रहा है, अब अर्जुन। अभी तक हमको लग रहा था अच्छा भगवान बोल रहे हैं तो हम लोग विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन अब ये सब कौन कौन बता रहा है हमें, अर्जुन बता रहे हैं। अब क्या हुआ, अर्जुन ने जब भगवान के विश्व रूप को देखा तो अर्जुन जो है वो क्या हो गए, भयभीत हो गए और डरने लगे, और उनको जो है सब सारी जो पुरानी चीजें थी, जो भी अमोद प्रमोद जो भगवान के साथ करते थे, वो सब सोच के जो है उन्हें क्या होने लगा, उन्हें अपने आप से घृणा होने लगी। और वो उसके लिए क्या करते हैं, वो उसके लिए क्षमा मांगते हैं, बोलते हैं कि आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर भी किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त भैया, अपराधों को, हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे। अब देखिए अर्जुन क्षमा मांग रहे हैं, तो अर्जुन का यहाँ पे क्षमा मांगना सही है या गलत है? तो वास्तव में अर्जुन जो है इस चीज को नहीं समझता, लेकिन भगवान इस चीज को समझते हैं। भगवान ने पहले भी बता चुके हैं, भगवान की ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। क्योंकि अर्जुन विचलित हो गए थे, अर्जुन धैर्य खो चुके थे, इसलिए अर्जुन जो है वो क्या कर रहे थे, भगवान से क्षमा मांग रहे थे। वास्तव में भगवान बोले कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जो जिस जिस भाव में मेरी पूजा करेगा, मेरी भक्ति करेगा, मैं उसके साथ उसी भाव में उस प्रेम का आदान प्रदान करूंगा। और अर्जुन किस भाव में भगवान की सेवा कर रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, साक्षी में। तो अर्जुन सखा के रूप में भगवान को जो है वो मानते थे, तो सखा के रूप में ही भगवान क्या कर रहे थे, उनके साथ में प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे, उन्हें कृपा प्रदान कर रहे थे। लेकिन ये भगवान जान रहे थे, ये भगवान जानते थे, लेकिन अर्जुन नहीं जानता था। क्योंकि अर्जुन क्या हो गया था, अर्जुन का धैर्य वो जो है खो चुका था, उसका मानसिक संतुलन वो खो चुका था, इसलिए उससे लग रहा था कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया, कि जो समस्त कारणों के कारण है, इस ब्रह्मांड के जो है वो आश्रयदाता है, वो उनको मैं क्या बोल रहा था, उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार कर रहा था, इसलिए उन्हें क्या लगा, अपने आप पे उन लोग गलती का एहसास हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैंने गलती की है तो इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन वास्तव में उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि वो साक्ष्य भाव में भगवान की क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, तो कोई अपराध नहीं था। वो एक तरीके से भाव था एक भक्त का, कि वो अपने तरीके से भगवान की सेवा कर रहा था। और भगवान फिर क्या करते हैं, जब भी इस तरीके से जो भी भगवान की पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसके साथ में उसी तरीके का व्यवहार करते हैं, कभी अपने ऐश्वर्य को, कभी अपने सर्वोच्च व्यक्तित्व को उनके सामने नहीं दिखाते, क्योंकि उस भक्त का भाव ऐसा नहीं है देखने का, क्योंकि वो ऑलरेडी सेवा कर रहा है। जैसे यशोदा मैया है, वासुदेव जी है, नंद महाराज है, देवकी मैया है, ये सब क्या करते थे, ये सब भगवान की वात्सल्य भाव में पूजा करते थे, सेवा करते थे। जो भगवान कभी भी इनको अपना ऐश्वर्य रूप नहीं दिखाते थे, इवन दिखाने के बाद भी जो है वो यकीन नहीं करते थे। तो भगवान ने जो है पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था अपने मुख में, छोटी सी उंगली पे जो है वो राज्य को उठा लिया था, लेकिन फिर भी भगवान को जो है यशोदा मैया के बच्चे के रूप में ही पूजती थी, बच्चे के रूप में ही उनकी सेवा करती थी। तो भगवान भी क्या करते थे, फिर ये जो भी अपने अलौकिक कार्य होते थे वो छुप छुप के करते थे, जिससे कि वो अपनी ऐश्वर्य को नहीं दिखा सके, किसको, उन भक्तों को जो कि अलग अलग भाव में, अलग अलग रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान भी उन्हीं के साथ में फिर उसी तरीके से जो है प्रेम का आदान प्रदान भी करते हैं, उन्हें कृपा भी प्रदान करते हैं। पहले कभी ना तो देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है, अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो भगवान को वो बोल रहे हैं कि अब आप जो है वापस से अपने उस वास्तविक रूप में आ जाइए। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं।
जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। अब जो है अर्जुन जो है वास्तविक रूप को देखने से पहले भगवान के जो जो नारायण स्वरूप होता है, जो चतुर्भुज रूप होता है, वो देखना चाहते हैं। तो अब भगवान जो है वो अपना जो है नारायण स्वरूप दिखाएंगे, लेकिन भगवान बोलते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो कोई कितना भी यज्ञ कर ले, कोई कितना दान दे ले, कोई कितना पुण्य कार्य कर ले, कोई कितना कठिन तपस्या कर ले, कोई कठिन से कठिन व्रत कर ले, भगवान बोले मैं नहीं देख, कोई नहीं देख पाएगा मुझे इस रूप में। कोई भी योग्य नहीं है इस रूप को देखने के। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान अपना सबसे पहले नारायण स्वरूप दिखाते हैं, जो कि इस तरीके से है, चार जो है चार भुजाएं, और चारों भुजाओं में शंख चक्र और गदा है धारण किए हुए। तो अब भगवान ने जो है अपना पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, उसके बाद फिर अपना वास्तविक रूप दिखा के अर्जुन को जो है वो शांत किया। तो संजय धृतराष्ट्र से यही बोल रहे हैं कि अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया, जो कि वास्तविक रूप है, असली चतुर्भुज रूप आप देखिए यहाँ पे, और अंत में दो भुजाओं वाला जो वास्तविक रूप है, जो कि भक्तों को जो बहुत ही ज्यादा प्रिय है, वो प्रदर्शित करके अर्जुन को धैर्य बनाया। तो अब जो है अर्जुन उस वास्तविक रूप को देख रहे हैं, और वो क्या बोलते हैं कि जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं, और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो जैसे ही उन्होंने भगवान के श्याम सुंदर रूप को देखा, वो क्या हो गए, वो एकदम जो है शांत हो गए, उनका जो भी धैर्य वो खो चुके थे, मानसिक संतुलन खो चुके थे, वो सब कुछ जो है वो वापिस उनके लौट गया और वो शांत हो गए। तो देखिए, जो भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वो अत्यंत आकर्षित है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो उसके बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो समस्त जो भगवान के अंश हैं वो भी जो है इसको नहीं देख पाते, इसलिए हमेशा भगवान अपने सबके सामने, भगवान अपने ऐश्वर्य रूप में रहते हैं, लेकिन भक्तों के साथ में अपने वास्तविक श्याम सुंदर रूप में रहते हैं। तो जो देवी देवता है वो भगवान के सिर्फ ऐश्वर्य रूप को, यानी कि विष्णु जी या फिर नारायण जी के ही रूप को देख सकते हैं, चतुर्भुज रूप दिखाया इससे पहले। भगवान अपने वास्तविक रूप में सिर्फ अपने धाम में ही रहते हैं और वही लीलाएं करते हैं, लेकिन फिर वो कौन लोग हैं जो कि भगवान के वास्तविक श्याम सुंदर रूप को देख पाते हैं, उसके बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, इसी तरह मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। और भगवान अभी यहाँ पुष्टि कर रहे हैं, ऐसे ही ये पुष्टि करेंगे 18वें अध्याय में, भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ भक्ति ही मुझे जान सकता है और मुझे समझ सकता है और मुझे देख सकता है। और भगवान यहाँ पे पुष्टि कर रहे हैं कि सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा, देखिए भगवान ने कर्म योग भी बताया है, भगवान ने ज्ञान योग भी बताया है, भगवान ने अष्टांग योग भी बताया है, लेकिन भगवान उन सबका ना नाम लेके क्या बोल रहे, सिर्फ भक्ति के द्वारा तुम मुझे जान सकते हो, और तुम मुझे देख सकते हो, और तुम मुझे समझ सकते हो, इसमें इस वास्तविक श्याम सुंदर में केवल एक ही विधि है जिससे कि तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। और भगवान ये चीज स्पष्ट रूप से इस श्लोक में बता दी, इस चीज की पुष्टि कर दी। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। अब देखिए भगवान जो है यहाँ क्या बता रहे, भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो वास्तव में भगवान को देखने के योग्य बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, उनके अंदर क्वालिटीज क्या क्या होती है, उनके लक्षण कैसे होते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होता है, तो पहली बात तो वो
अपने फल की इच्छा के लिए, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य नहीं करता है, वो निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है, किसी चीज की उसकी इच्छा नहीं होती, बस वो ये मान के करता है कि मैं भगवान का दास हूं और मेरा स्वभाव है कि भगवान की सेवा, वास्तविक कार्य मेरा यही है। दूसरी चीज कि मनोधर्म के कलमश से मुक्त होता है, यानी कि वो अपने मेंटल स्पेकुलेशन से भगवान को समझने का प्रयास नहीं करता है, वो गुरु साधु और शास्त्रों के माध्यम से जो है भगवान से जुड़ने का, जोड़ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है, इससे वो क्या हो जाता है, सारे कलमशों से मुक्त हो जाता है, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर हो जाता है। और जब वो श्रवण करता है, अपने गुरु से सुनता है, तो उसके अंदर का जो अंधकार, अंदर की जो अज्ञानता है, वो समाप्त हो जाती है और वो अपने आप को भगवान की भक्ति में क्या कर लेता है, तत्पर कर लेता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, मतलब कि उसके लिए सारे लोग हैं एक समान, मतलब उसको ना तो कोई मान अपमान, अनादर आदर ये कुछ सताने का है, उसे किसी भी चीज से जो है, किसी भी तरीके के द्वंद जो है वो विचलित नहीं कर रहे हैं, उसके लिए सब कुछ समान है, मित्र भी और शत्रु भी, तो सभी पे वो क्या दिखाता है, करुणा दिखाता है, ये मान के कि सभी क्यों, सभी के अंदर भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में स्थित है। तो ऐसा जो भक्त होता है, इस स्तर तक जो पहुंच जाता है, वो भगवान को देखने में, भगवान को जानने में और भगवान को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। तो भगवान ने ये चीज यहाँ पे कि एक श्लोक में इसलिए बताई क्योंकि कल का जो अध्याय है वो पूरा भक्ति योग के ऊपर है, कल के योग अध्याय का नाम ही भक्ति योग है, तो उसमें भगवान पूरे डिटेल में बताएंगे कि वास्तविकता में भक्ति होती क्या है और कैसे की जाती है और किन किन स्तरों पे जो है भक्ति हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग भगवान के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा शुरू कर सकते हैं, तो हम लोग रोज सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम लोग क्या कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, चैंटिंग, जैसा मैंने आपको बताया, चैंटिंग एक ऐसी चीज है, चैंटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग भगवान की कुछ नहीं भी करके जो है सेवा कर पा रहे हैं, मतलब हम लोग कुछ ऐसा फिजिकली नहीं कर रहे हैं, बस बैग जगह बैठ के अगर भगवान का नाम ले रहे हैं तो ये सबसे बड़ी सेवा हो गई। तो बहुत अच्छा, कल का दिन भी बहुत अच्छा है, कल जो है एकादशी है, तो जो मंदिर में कल जो है 5 से 7 बजे तक 2 घंटा जो है जपा सेशन है, जो कि स्पेशल जपा सेशन है एकादशी के ऊपर, तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, सब साथ में मिलके जो है उसमें संघ में जो है रह के हम लोग जपा करते हैं, तो आप भी, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। तो ये सबसे अच्छी सेवा है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे भक्तों के साथ में मिलके हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त करने के लिए एक स्टेप, एक एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो हम लोग चाहें कि हम लोग इस तरीके से शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच पाएंगे तो हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, उसके लिए एक ही तरीका है वो जो कि बहुत आसान है, वो भगवान के नाम का जप। और इसमें भगवान का फायदा नहीं है कि हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, भगवान हमारे फायदे के लिए बताएं कि हम लोग जो है शांत हो जाएंगे, हम लोग जो है हमारा जो भी, जितना भी हम लोग विचलित हो रहे हैं इस संसार से, जितने भी दुख हम लोग झेल रहे हैं उसमें हम लोग शांति प्राप्त करेंगे, उसमें हमारा ही फायदा है। तो हम लोग इस तरीके से कार्य करते रहेंगे तो हम लोग इस प्रोसेस में भी क्या करते रहेंगे, प्रगति करते रहेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि सारांश यह कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है, तो सोर्स भगवान है जिसने कि सारे रूपों को दिखाया, ऐसा नहीं है कि वह आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, जबकि उन्होंने आदित्यों में बोला कि मैं विष्णु हूं, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने उनसे ही क्या निकले हैं, वो विष्णु जी भी जो है वो विष्णु जी का भी जो है विस्तार हुआ है। वे समस्त रूपों के उद्गम है, भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दोभुजी श्याम सुंदर रूप, और यही भगवान ने पुष्टि भी कर दी। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। तो वास्तव में भगवान के उस श्याम सुंदर रूप को देखने के लिए क्या है, हमारे अंदर प्रेम अंजन होना चाहिए। अंजन यानी क्या होता है, अंजन वो जो काजल होता है ना, वो तो प्रेमांजन जो है, प्रेमांजन जब तक हमारे आंखों में नहीं होगा तब तक हम लोग भगवान के विश्व रूप को या भगवान के श्याम सुंदर वास्तविक रूप को देखने के योग्य नहीं बन पाएंगे। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। तो हमारा यह अध्याय यही समाप्त होता है। हरे कृष्ण।